नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली रिजल्ट आ चुका है, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आप लोग कितने दिनों से परेशान थे, पहले फाइनल आंसर की का इंतजार चल रहा था, फिर रिजल्ट का इंतजार चला, और ये इंतजार की घड़ी खत्म नहीं हो रही थी। कई लोगों का दिमाग खराब हो गया इस वक्त में, कितने लोग परेशान हुए, बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ रिजल्ट आ चुका है। एंड नाउ आप लोग एनटीए की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट स्कोर चेक कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट स्कोर चेक करने में कोई समस्या आ रही है तो मैं एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, हाउ टू डाउनलोड द रिजल्ट का प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, एक बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये जून 2024 का एग्जाम खत्म हुआ है। पहले एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन हुआ, अब उसके बाद फाइनल आंसर के आने में इतना टाइम लग गया, फिर रिजल्ट आने में इतना ज्यादा विलंब लगा, बट बहुत परेशान हुए आप सभी इस वक्त में। बट फाइनली जो आपकी मेहनत है उसका रिजल्ट अब आ चुका है। सो आप फटाफट जाके रिजल्ट चेक कीजिएगा एनटी की वेबसाइट पे। एक बार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है। वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी प्रोसेस है, बट इफ इन केस। ओके, अच्छा, पहली बात, जैसे ही मैं ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, बहुत तेजी से ये इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ पहुंचेगी, फैलेगी, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, तो वो ऑलरेडी एनटीए की वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, और जब तक आप पहुंचेंगे एनटीए की वेबसाइट पे तब तक चीजें हैंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्वर हैंग होता है, सो अभी एरर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, प्लीज डोंट पैनिक, यू विल गेट योर रिजल्ट। इतना इंतजार किया है तो एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, रात में जब भी होगा, बिकॉज थोड़ा सा क्या होता है ना कि नेटवर्क का आपको इश्यू होता ही है कि जो है रिजल्ट आने में, जैसे ही रिजल्ट आता है तो बेसिकली आपका सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मैं एक बार फटाफट दिखा देता हूं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप फटाफट देख लीजिए। सबसे पहली बात तो आपको पब्लिक नोटिस में यहाँ पे दिख जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यूरिसनेट जून 2024। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे पब्लिक नोटिस में आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा आपने रिजल्ट डाउनलोड, ये तो बस एक नोटिस है। ओके, दिस इज जस्ट अ नोटिस जहां पे लिखा रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द कैंडिडेट एक्टिविटी। ओके, ये जो सेक्शन है कैंडिडेट एक्टिविटी, तो यहाँ कैंडिडेट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे आप। ओके, सो यू हैव टू क्लिक हियर, रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक हियर, या फिर यहाँ पे आपको सामने भी लेटेस्ट न्यूज में भी दिख रहा होगा, ठीक है, स्कोर कार्ड का ऑप्शन, या फिर यूरिसनेट रिजल्ट, इस तरीके से दिख जाएगा वहां पर। ठीक है, सो कैंडिडेट एक्टिविटी है, पब्लिक नोटिस में नहीं। पब्लिक नोटिस में सिर्फ जो नोटिस आया वो दिखेगा, उसमें रिजल्ट नहीं है। ठीक है, उसमें बस इन्फॉर्मेशन है कि रिजल्ट आउट है, बाकी अगर आपको तो कैंडिडेट एक्टिविटी वाला हिस्सा जो है, सो डायरेक्टली क्लिक कीजिए कैंडिडेट एक्टिविटी में, फिर अगर यहां से नहीं खुलता है जब इस पर क्लिक करेंगे, तो फिर आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे जहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ डाली, इसके लिए कोई लॉग इन नहीं चाहिए। ओके, कोई भी ऐसा मत सोचेगा कि लॉग इन करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डाली है, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं कैप्चर डाल के। ठीक है, आप इस स्टेप के बाद जैसे ये सबमिट करेंगे, मैक्सिमम लोग अभी ये स्ट्रगल करेंगे किस लिए, बिकॉज अभी सभी लोग प्रयास करें तो वेबसाइट हैंग हो जाती है और बड़ा देरी से रिजल्ट खुलता है, बट धीरे से खुल जाएगा, तो घबराइएगा मत, पैनिक मत कीजिएगा। इतना इंतजार किया है आपने, इतना सब्र रखा है, तो थोड़ा सा और सब्र रखिएगा, एक आध घंटा लगेगा, कभी कभी हो सकता है जैसे इंटरनेट स्पीड अगर आपकी अच्छी होगी तो जल्दी खुल जाएगा, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सब्र रखिएगा, खुल जाएगा, परेशान मत होइएगा। और ठीक है, तो प्रोसेस एक बार फिर से देख लीजिए, आपको पब्लिक नोटिस पे नहीं, कैंडिडेट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। ठीक है, कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको ऑप्शन में दिख जाएगा रिजल्ट का, या फिर डायरेक्ट लेटेस्ट न्यूज में भी दिख जाएगा, क्लिक हियर करके ऑप्शन आएगा कि फॉर द रिजल्ट क्लिक हियर, वो लिंक एक्टिवेटेड रहेगी, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना एडमिट कार्ड रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, और अगर सिलेक्शन हो चुका है तो खुशियां बांटिए, बधाइयां दीजिए अपने दोस्तों को, अपने आप को, अपने परिवार वालों को, और उसके बाद अगर नहीं हुआ है तो घबराने वाली बात नहीं है, दिसंबर का रिजल्ट भी बहुत जल्दी ऑप्शन है आपके पास, दिसंबर का एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है। सो अपना टेक्स्टबुक ऐप पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको जो है अपनी प्रिपरेशन करने का अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगी टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ऐप पर, और दिसंबर वाले एग्जाम में अगर इस बार किसी कारण से नहीं हो पाया तो दिसंबर वाले एग्जाम में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स, ये सारी फैसिलिटीज आपको टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ऐप पर मिल जाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया, जिनका नहीं हुआ वो निराश मत हुए, आपके पास फिर अभी 2-3 महीने में एक मौका है, जो भी कुछ कमी रह गई उसको इंप्रूव करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे और अपना सक्सेस अचीव करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज क्विकली टेल योर फ्रेंड, जल्दी जल्दी फटाफट इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दीजिए, अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि रिजल्ट आ चुका है और अपना रिजल्ट चेक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।